हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आपको पता होगा कि घर बैठे और सुरक्षित आपको स्टडी करने का जो इस चैनल के माध्यम से मौका मिल रहा है उसका आप भरपूर लाभ उठाइए और अपने मित्रों को भी इस लिंक को शेयर कीजिए जिनकी वजह से उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले हम राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे कि राजस्थान जो स्थलाकृति है वो कैसे अपने सामने आया और वो है जो प्राचीन भूखंडों का एक भाग है। आपको पता विश्व दो प्राचीन भूखंडों में बटा हुआ था। पूरा विश्व है पूरा विश्व है दो प्राचीन भूखंडों में बटा हुआ है। एक का नाम है अंगारा लैंड और दूसरे भाग का नाम है गोंडवाना लैंड। फिर भूगर्भी गलसलें हुई और उसके बाद में दोनों जो ये अंगारा लैंड और एक है गोंडवाना लैंड, इन दोनों के बीच में एक 33 सागर एक 33 सागर था। इन भूगर्भी गलसलों के कारण 33 सागर से जो पिछला आकृति उत्पन्न हुई वो और जो गोंडवाना लैंड से जो अपने स्त्री आकृतिक जो उत्पन्न हुई वो उन सब का हम यहाँ पे विभाजन करके प्रत्येक का वर्णन करेंगे। सबसे पहले एक भूगोलविद थे प्रोफेसर सीवी मिश्रा। सीवी मिश्रा की एक पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। उसके बाद में उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ 1962 में उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ और उसमें राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के रूप में 7 भाग बताए गए। फिर आगे एक और भूगोलविद थे हरिमोहन सक्सेना, उनकी बुक है राजस्थान का भूगोल, उसमें भी उन्होंने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को 3 भागों में बांटा। पर जब हम पढ़ते हैं तो आज के युग में हम आज की इस दौर में राजस्थान के भूगोल को 4 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। आपको मैं प्रत्येक का एक एक भाग का प्रत्येक का वर्णन करते हुए बताऊंगा। यह आपका राजस्थान है, यह आपका राजस्थान बना हुआ है, पतंगाकार है आपका आकृति राजस्थान की। ये वाला भाग मैंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के 4 भाग कर दिए। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को पूरे। पहला ये वाला भाग है, उसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। सेकेंड वाला भाग है ये अरावली प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये वाला आपका पूरी मैदानी प्रदेश है,
और हैं ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान को हम मुख्य रूप से चार भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। पहला आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूरी मैदानी प्रदेश और फोर्थ पर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इस आज हम सिर्फ एक भौतिक प्रदेश का वर्णन करेंगे, वो है आपका मरुस्थलीय प्रदेश, जो मैंने आपको सामने डायग्राम बनाया है। अब मैं बता देता हूँ, सबसे पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पहला प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश का फैलाव, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल है वो 20,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 61% कुल, जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 20,900 वर्ग किलोमीटर, वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% है। अब हम बात करते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। अक्षांश विस्तार पच्चीस डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। अब देशांतरीय विस्तार, उन 70 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, 76 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर के 20 ये राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है वो अवस्थित है। अब हम जनसंख्या के बारे में बात करें, तो यहां पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 46% जनसंख्या यहां निवास करती है। राजस्थान की 40% जो जनसंख्या है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। अब इनका जो विस्तार है वो किन किन जिलों में, कहां कहां तक है इनका विस्तार, विस्तारित जिले इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय में कौन कौन के विस्तारित, जहां जहां ये जिले हैं वहां वहां ये मरुस्थल विस्तारित है, अपना प्रभाव छोड़ता है। सबसे पहले ऊपर गंगानगर, उसके बाद में नीचे आओ बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर,
जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर। आपको पता होगा जो मैंने आपके सामने जो जिले लिखे हुए हैं, इन जिलों में, सभी जिलों में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। सबसे पहले ऊपर की तरफ आओ, गंगानगर, बीकानेर, नीचे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जो वाला भाग है, और सीकर। इन जो 12 जिलों में, कुल 12 जिले हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल कुल 12 जिले आते हैं। जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें कुल जिलों की संख्या है वो 12। 12 जिलों में ये फैला हुआ है मरुस्थल। अब इसका विस्तार देखें, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है 640 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको लंबाई भी याद हो गई, ये इसकी लंबाई है। उत्तर पश्चिम से लगाकर मैं आपको यहां पे बता देता हूं, राजस्थान का मैप बना हुआ है, यहां से लगा करके ये यहां तक, यहां पे हनुमानगढ़ है, यहां पे बाड़मेर है और जालौर, और ये बाड़मेर का भाग है। ये वाली जो आपकी कुल लंबाई है वो है 646 किलोमीटर, और जो ये है पूर्व से पश्चिम की ओर ये 300 किलोमीटर लंबा है, चौड़ा है। 646 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा है इसकी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। अब आते हैं इसकी जलवायु, जलवायु के बारे में। शुष्क एवं विषम जलवायु प्रदेश है। जो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का जो जलवायु है वो शुष्क है और विषम है। शुष्क और विषम होने के कारण यहाँ पे वनस्पति भी बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है। आपको पता होगा है, अब तापमान की ओर, कि यहाँ का तापमान इस प्रदेश का सबसे उच्चतम तापमान
49 डिग्री है। गर्मियों के समय में, सर्दियों में यही टेम्परेचर -3 डिग्री पर आ जाता है। अब मैंने आपको जलवायु बता दी, तापमान बता दिया, विस्तार बता दिया है। अब यहां इसकी ऊंचाई, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। अब यहां पर उत्पन्न होने वाले खनिज, लिग्राइट, लिग्राइट है, पेट्रोलियम, आदि इस मरुस्थलीय प्रदेश में मिलते हैं। अब यहां बात करें हम, ये प्रदेश है वो 33 सागर का अवशेष होने के कारण यहां पर कुछ खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं। पसभद्रा, डिडवाना, आदि जो झीलें हैं वहां से नमक उत्पन्न होता है और नमक उत्पन्न के लिए ये झीलें हैं जो जानी जाती है। जो ये झीलें हैं वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आई हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्षा के बारे में कि राजस्थान में वर्षा का क्या है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक यहां पर वर्षा होती है। अब आपको पता होगा कि अरावली के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम भाग में इसकी भूस्थल स्थित है। अरावली पर्वतमाला है, आपको बता देता हूं मैं, ये आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये पूरी अरावली पर्वतीय माला है। और ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ऐसे आपका भारत बना हुआ है, नीचे जाओगे यहां पे आपका अरब सागर है। और भारत के यहां पे बंगाल की खाड़ी बनी हुई है।
जो दक्षिणी पश्चिम में मानसून आता है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, ये अरावली पर्वतमाला के समाप्त सीधा आगे से आगे गुजर जाता है। ये राजस्थान के बर्फीले प्रदेश में बारिश नहीं करता, इस कारण से यहाँ का वर्षा का जो है 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, और ये सूखा प्रदेश हो जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला ये राजस्थान को ये यहाँ से अलग कर देती है मरुस्थलीय प्रदेश को। तो इसकी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण अरब सागर से जो मानसून आ रहा है वो इस पहाड़ी के सारे सारे आगे निकल जाता है, और जैसे ही बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आएगा, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आ रहा है ये इस पर्वतमाला से टकरा करके यही बारिश करता है, इस वाले भाग पर ही बारिश कर देता है। इस भाग पर बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, इस कारण से ये पूरा प्रदेश है वो शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है, सूखा प्रदेश है। जो दक्षिणी पश्चिम में मानसून आता है उसके कारण जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें बारिश की बहुत ही कम आशंका रहती है, नहीं के बराबर बारिश होती है। जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आ रहा है उसकी भी जो बारिश है वो बहुत ही कम मात्रा में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तक पहुंचती है, इसलिए ये क्षेत्र हमेशा शुष्क बना रहता है। यहाँ वनस्पति भी शुष्क पाई जाती है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो सूखे हैं, खेजड़ी जहाँ यहाँ का सबसे खेजड़ी वृक्ष ये मरुस्थल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसको शमी वृक्ष के नाम से जाना जाता है, एक क्षेवण घास सेवन घास भी इस मरुस्थल में पाई जाती है। रोहिणा नाम का एक वृक्ष होता है, आपको पता होगा रोहिणा भी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। ये सारे ही मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं।